नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तो मार्केट बंद है, लेकिन BCG की एक अपडेट आई है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं मेरी इस ड्रीम वन CR एकेडमी चैनल में BCG को कवर करता हूँ, क्योंकि मैंने BCG में इन्वेस्टमेंट किया है। 3000 क्वांटिटी मेरे पास है और अभी मैं बड़े लॉस में हूँ, इसलिए BCG के एक भी अपडेट और एक भी लेटेस्ट एनालिसिस कभी मिस नहीं होने दूंगा आपको भी, क्योंकि आप भी लॉस में ही होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे आज क्या कुछ नई अपडेट आई है उसके बारे में। तो जो सर्किट लिमिट की बात थी कि 10 में से 5% हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये स्टॉक अभी स्टेज 1 में ही रखा गया है और सर्किट लिमिट में कोई चेंजेस नहीं की गई। और कल के लिए सर्किट लिमिट होगी 10%, अपर बैंड होगा दोस्तों 17.71 और 14.41। तो ऐसे में 10% ऊपर हो सकता है या 10% नीचे हो सकता है। 5% की पॉसिबिलिटी थी कि 10 में से 5% कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ कोई सेबी की तरफ से और भी एक्सचेंज की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और अपर सर्किट लगती रहेगी। इस उम्मीद में 10% ही यहाँ सर्किट लिमिट रखी गई है। तो कल के लिए ये 10% की सर्किट लिमिट क्या कुछ नया कर दिखाती है, वो कल के मार्केट सेंटिमेंट के आधार पर ही तय होगा। अब बात करेंगे कि कल यदि मार्केट पॉजिटिव रहा, ओवरऑल ग्लोबली सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा और इंडियन स्टॉक मार्केट की निफ्टी दोस्तों 17,500 के लेवल को टच कर गई, तो ये स्टॉक में कल भी अपर सर्किट देखने को मिल सकती है। लेकिन कल यदि ओवरऑल मार्केट में जो गिरावट आई, तो इस स्टॉक में लोअर सर्किट भी लग सकती है। तो कल के लिए बहुत ही सावधानी से ट्रेड करें। यदि आपने न्यू एंट्री बनानी है तो वेट कीजिए मार्केट में गिरावट आने तक, क्योंकि निफ्टी का जो लेवल है वो इस BCG के साथ दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसा ही इस ट्रेंड के साथ फॉलो करेगा BCG, क्योंकि सेंटिमेंट यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट में, तो वो एक पॉजिटिव बात बन जाती है। तो कल के लिए पॉजिटिविटी के साथ यदि ये स्टॉक ने अपर सर्किट लगा दी, तो ज़बरदस्त तरीके से लॉस कवर में होने में ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होगा। तो ऐसे में BCG के आगे भी रणनीति और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद।